स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचो की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, उसके रासायनिक संगठन के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन में तीन प्रकार के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। उसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस कल के लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम कोशिका झिल्ली में जो दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट है लिपिड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, और आज हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड के बारे में। तो जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या कोशिका झिल्ली की संरचना को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली जो है, उसमें लिपिड की एक बाई लेयर प्रेजेंट है। मैं इसको और सिंपलीफाई कर दूं तो हम ऐसा कहेंगे कि जब हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम वहां क्या देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसमें लिपिड की बाई लेयर यानी लिपिड की दो परतें उपस्थित होती है। और इस प्रकार जो ये लिपिड है वो एक सेल मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर आधार संरचना का निर्माण करता है। अब अगर हम लिपिड की जब बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो लिपिड की बाई लेयर बनी हुई है, अगर मैं अरेंजमेंट देखता हूं लिपिड का तो मैं क्या देखता हूं कि देयर आर टू लीफलेट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, यानी लिपिड के जो अणु है वो इस प्रकार से व्यवस्थित हुए कि उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की संरचना में दो लीफलेट का निर्माण किया या दो बाई लेयर यानी दोहरी परत का निर्माण लिपिड के मॉलिक्यूल
हमने किया है। तो एक बात याद रखें यहां पर कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में जो लिपिड के अणु हैं उन्होंने दो लीफलेट का निर्माण किया है। अब अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहां मेंशन किया है कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां हमें दिखता है कि लिपिड की थ्री क्लासेस प्रेजेंट है, तीन अलग अलग प्रकार की लिपिड कोशिका झिल्ली में प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और तीसरे प्रकार के हैं स्टीरॉल। तो जब एक लिपिड बाईलेयर जो कि सेल मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसको देखते हैं तो वहां हमें तीन प्रकार के लिपिड के मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं। मैंने नाम मेंशन किए हैं, वो फॉस्फोलिपिड के रूप में हो सकते हैं, वो ग्लाइकोलिपिड के रूप में हो सकते हैं और वो स्टीरॉल के रूप में हो सकते हैं। अब वन बाय वन पहले हम फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करेंगे, फिर ग्लाइकोलिपिड के बारे में बात करेंगे और फिर स्टीरॉल के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो डिस्कशन है मेरी वो इस पहले प्रकार के लिपिड के बारे में है जो फॉस्फोलिपिड है, फिर मैं बात करूंगा ग्लाइकोलिपिड की और फिर हम बात करेंगे स्टीरॉल की। तो पहली बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की, क्लियर। तो जब मैं फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर देखता हूं तो ये कुछ इस तरह की एक स्ट्रक्चर है। तो ये फॉस्फोलिपिड के जो अणु हैं इन्होंने सेल मेम्ब्रेन में दो लीफलेट बनाए। तो एक फॉस्फोलिपिड की पहले मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, फिर हम बात करेंगे कि ये फॉस्फोलिपिड के अणु किस प्रकार सेल मेम्ब्रेन में अरेंज होकर लिपिड की बाईलेयर बनाते हैं। पहले बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पर जैसा मैं देख रहा हूं दो पार्ट है फॉस्फोलिपिड अणु के, एक इसका शीर्ष भाग है, दूसरा जो है वो इस फॉस्फोलिपिड अणु का पुच्छ सिरा या टेल। तो ये दो स्पष्ट क्षेत्र हमें दिख रहे हैं, हेड पार्ट टेल पार्ट। अब जो ये हेड पार्ट है फॉस्फोलिपिड का, यहां पर ग्लिसरॉल है, एक तो केमिकली यहां पर ग्लिसरॉल, नंबर टू इस हेड पार्ट में ग्लिसरॉल के अलावा एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और तीसरा यहां पर एक एल्कोहॉल मौजूद है, यानी एल्कोहॉल, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल इन तीनों ने मिलकर ये शीर्ष भाग या हेड पार्ट बना है। और ये जो हेड पार्ट है ये पोलर नेचर का है, ध्रुवीय प्रकृति का है,
ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है, जल स्नेही है, वाटर लविंग पार्ट है। लेकिन जो तेल वाला भाग है इसका, ये फैटी एसिड से बना हुआ है। केमिकली अगर हम इस पुच्छ सिरे की बात करें तो ये फैटी एसिड ये उसकी टेल है, वसा जो अम्ल है उसकी टेल है, और जो ये तेल वाला पार्ट है ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, ये वाटर हेटिंग पार्ट है। तो ये जल स्नेही हेड हो गया, इसे आप हाइड्रोफिलिक कहेंगे। ये टेल, ये वाटर हेटिंग हाइड्रोफोबिक जल विरागी भाग है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड के हेड पार्ट की प्रॉपर्टी और टेल पार्ट की प्रॉपर्टी अपोजिट नेचर की है। इस एक ही फॉस्फोलिपिड में एक सिरा जल स्नेही है, दूसरा सिरा जल विरागी है। वन पार्ट इज वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक एंड द टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। तो ये जो दो अपोजिट प्रॉपर्टी है एक ही अणु में, इनके लिए हम शब्द काम में लेते हैं। इट इज एम्पीपैथिक, ये एक एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल है, इसे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से क्या चीज पता चलती है कि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड की बाई लेयर बनी हुई है और उसमें जो सबसे प्रमुख प्रकार के लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये एम्पीपैथिक या एम्फोटेरिक प्रकृति के अणु है, जिसके दो सिरे मैंने बताए, हेड टेल, एक हाइड्रोफिलिक है दूसरा हाइड्रोफोबिक है। तो ये हमने बात की। अब ये लिपिड के अणु यानी फॉस्फोलिपिड के अणु कैसे व्यवस्थित होंगे और फिर किस प्रकार ये दो लीफ लेग या बाई लेयर का निर्माण करते हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो एक छोटे से डायग्राम से रिप्रेजेंट करें कि ये मान लो एक लिपिड की लीफ लेट बने, ऐसी ऐसी कुल कितनी लीफ लेट बननी चाहिए, दो लीफ लेट बननी चाहिए, तो दूसरी इसके सामने बने इस तरह से। इस तरह की एक अरेंजमेंट होती है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है दोनों लीफ लेट के, ये पहली बार, ये इसका पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये दूसरी लीफ लेट, ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि जब ये फॉस्फोलिपिड के अणु अरेंज होंगे और लीफ लेट बनाएंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं कि दोनों जो लिपिड लीफ लेट बनी है उन दोनों में जो हाइड्रोफिलिक हेड है, जल स्नेही शीर्ष है, वो या तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सरफेस बनाएंगे। कल मैं बात कर रहा था कि सेल मेम्ब्रेन की दो फेस है, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर दूसरी साइटोसोलिक। तो एक ने
एक्सटीरियर बनाया, एक ने इंटीरियर बनाया, यानी एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली सतह की ओर है, एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली सतह की ओर है। तो ये एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ओर हमेशा हाइड्रोफिलिक हेड रहेंगे। लेकिन जो बीच की बात कि व्यवस्था ऐसी है कि एक फॉस्फोलिपिड की टेप अपने सामने वाले फॉस्फोलिपिड की टेल के सामने होगी, यानी ये जो बीच का पोर्शन बना, कोर पार्ट जो बनेगा वो हाइड्रोफोबिक टेल के द्वारा बनेगा। तो दोनों के जो एक्सटीरियर और इंटीरियर बने, दोनों जो सरफेस बनी, सतह बनी, फेस बनी, वो तो पोलर हाइड्रोफिलिक हेड से बनेगी, और जो कोर बनेगा वो हाइड्रोफोबिक जो फैटी एसिड की टेल है उससे बनेगा। तो यहां हमने बात की पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में, जो पहले प्रकार के लिपिड है फॉस्फोलिपिड, उनके बारे में हमने बात की। तो फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक अणु है, जिन्हें हम एम्फोटेरिक के नाम से भी जानते हैं। एम्फीपैथिक का अर्थ यहां पर क्या है वो भी आपको पता चला। अब मैं बात करूंगा दूसरे प्रकार के लिपिड की, वो है ग्लाइकोलिपिड्स। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड की बाई लेयर बनी, उसमें जो दूसरी क्लास का लिपिड है वो है ग्लाइकोलिपिड। जब मैं ग्लाइकोलिपिड की स्ट्रक्चर देखता हूं तो इसमें लिपिड के साथ कोवेलेंट ऑलिगोसैकेराइड या मोनोसैकेराइड इस प्रकार की शर्करा शुगर अटैच रहती है। तो ग्लाइकोलिपिड में लिपिड के साथ या तो मोनोसैकेराइड शर्करा जुड़ी रहेगी या ऑलिगोसैकेराइड शर्करा जुड़ी रहेगी। अच्छा, एक बात और है कि ग्लाइकोलिपिड केवल और केवल इस लिपिड बाई लेयर की जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेस जो बाहर की एक्सटीरियर की ओर रहती है, केवल उसी फेस पर होंगी, साइटोसोलिक फेस पर नहीं होंगी। अब दो प्रकार के एग्जांपल्स मिलते हैं, सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। तो जो सेरिब्रोसाइट्स है वो कब बनेंगे कि जब लिपिड के साथ शुगर की केवल एक ही यूनिट जुड़ी हुई, यानी ऑलिगोसैकेराइड है तो केवल सिंगल ऑलिगोसैकेराइड जुड़ जाए या सिंगल मोनोसैकेराइड जुड़ जाए, तब जो स्ट्रक्चर बनती है वो सेरिब्रोसाइट है। लेकिन अगर शुगर की कई यूनिट्स जुड़े, अप्रोक्सीमेट 7 यूनिट्स जब जुड़ जाती है, तो ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स गैंग्लियोसाइट्स कहलाते हैं। तो दो प्रकार के ग्लाइकोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, सेरिब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। लास्ट में बात करूंगा स्टीरॉइड, जो तीसरी क्लास है लिपिड की, जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वो है स्टीरॉइड। बेसिकली हम बात करते हैं कि जो स्टीरॉल्स है ये हमें यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में दिखते हैं, प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया है उनकी सेल मेम्ब्रेन में ये स्टीरॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। एनिमल सेल की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टीरॉल एनिमल की सेल की सेल मेम्ब्रेन में मिलता है वो कोलेस्ट्रॉल। इसी प्रकार जो प्लांट सेल पादपों की कोशिकाएं हैं
उनकी कोशिका झिल्ली में जो स्टीरॉल मिलता है उसका नाम है सीटोस्टीरॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सीटोस्टीरॉल प्लांट सेल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो स्टीरॉल मॉलिक्यूल्स एक प्रकार का लिपिड है, इसमें स्टीरॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम स्टीरॉल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसकी संरचना में स्टीरॉइड न्यूक्लियस जरूर होगा। ये जो स्टीरॉल मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं कि लिपिड की बाई लेयर में जो तेल थी इसकी फैटी एसिड की उसके साथ ये जुड़ जाते हैं और वहां पर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं लिपिड रेफ्ट। तो लिपिड रेफ्ट एक स्ट्रक्चर है जो इन स्टीरॉल मॉलिक्यूल के फैटी एसिड की टेल के साथ एग्रीगेशन के कारण बनती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के सीटोस्टीरॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में लिपिड रेफ्ट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो आज हमने बात की सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उसके केमिकल कंपोजिशन में लिपिड मॉलिक्यूल के बारे में। वो लिपिड मॉलिक्यूल कितने प्रकार के हैं ये हमने डिस्कस किया, वो लिपिड मॉलिक्यूल किस प्रकार लिपिड की बाई लेयर बनाते हैं या लीफ लेट बनाते हैं दो, उनकी क्या स्पेशियल अरेंजमेंट है वो डिस्कस किया, और साथ में ये डिस्कस किया कि जो लिपिड के अणु हैं सेल मेम्ब्रेन में, ये अणु सेल मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर जो आधार संरचना है उसका निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन में तीसरे कंपोनेंट के बारे में, वो है प्रोटीन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।